इनामदार ताजदार मदीना सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते अज दा ए अज़ीमुश्शान दरसे कुरान मरकजी इशात व तौहीद व सुन्नत दे ज़ेरे एहतमाम इनेकाद पज़ीर है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही अलामा इब्ने अलामा कारी नईमुल्ला खान साहब मुल्तानी तशरीफ ले आसिन और उन्हां दा दरसे कुरान इंशाअल्लाह ताला होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस दी इस आयत मुबारक दे अंदर ये इरशाद फरमाया है और इस दे अंदर पहले तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब पैगंबर तुसा अपनी मिठी जबान मुबारक दे नाल ऐलान फरमा दियो और अगे फरमाया या अय्युहन नास ऐ लोगो कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो किस्म दी आयात नाजिल फरमाइया हैं। एक आयत के अंदर अल्लाह करीम ने या अय्युहन नास कह के लोगों नू पुकारिया है और एक आयत के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारिया है। या अय्युहन नास आम लोगों नू जिस दे अंदर तमाम इंसान जिन्हें खिताब किया गया है। दूसरे नंबर ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस दे अंदर खालिसतन अल्लाह करीम ने मोमिनां नू खिताब किया है। या अय्युहन नास जिन्हां आयात दे अंदर खिताब किया गया है लोगों नू ए खास तौर ते मक्की दौर दे अंदर आयात नाजिल होईयां हैं और जिन्हां आयात दे अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारिया गया है वह मदनी दौर दे अंदर आयात नाजिल होईयां हैं। किथे भी अल्लाह करीम ने अपने महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह नू फरमाया या अय्युहन नास कुल या अय्युहन नास मेरे महबूब पैगंबर तुसा ऐलान फरमा दो इन्हां लोगों नू मसला दस दो क्यों ओ लोगो मैं मुहम्मद रसूल अल्लाह नू अल्लाह करीम ने तुसा तमाम लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा गया अलैकुम जमीया तुसा सारिया की तरफ तो गोया अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह करीम ने तमाम मखलूकात दी तरफ नबी बना के भेजिया है। और फिर अगले मकाम ते अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा महबूब पैगंबर तुहाडे भेजण दा मकसद और बिसअत ओ ए है कि तुसा इन्हां लोगों का ताल्लुक मैं अल्लाह दे नाल नवें सिरे तू जोड़ना शुरू करो
ये लोग मैं अल्लाह नू बिल्कुल भूल चुके हैं, मेरे नाल ताल्लक तोड़ चुके हैं, नवे सिरे तू मेरे महबूब पैगंबर इन्हां दा ताल्लक मैं अल्लाह दे नाल जोड़ो। तो अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही सोहने अंदाज दे नाल, सोहने तरीके दे नाल, नवे सिरे तू उन्हां लोगां दा ताल्लक अल्लाह करीम दे नाल जोड़ना शुरू किया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरा पैगंबर तुस इन्हां नूं आख दिओ, अगर ये इंसान इस दुनिया के अंदर और आखरत के अंदर कामयाबी चाहते हैं तो मेरे महबूब पैगंबर इन्हां ने यह मसला समझा दिओ, अपने आन का भी मकसद इन्हां नूं दस दिओ। तो अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं अल्लाह करीम ने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु। मेरे महबूब पैगंबर अपनी मिठी जबान दे नाल ऐलान फरमाओ और ये गल आख दियो, इन्हां नूं समझा दियो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कि उसके सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई हाजिर नाजिर नहीं, उसके सिवा कोई बद्दी ते छुट्टी का मालिक नहीं, उसके सिवा कोई जात आलिमुल गैब नहीं, उसके सिवा कोई जात समी और बसीर नहीं, उसके सिवा कोई जात नफे नुकसान दी मालिक नहीं, तमाम सिफात का मालिक है, तमाम खूबियों का मालिक है, तमाम कमालात का मालिक है, तो केड़ी जात है? अल्लाह पाक दी जात है, उसके सिवा और कोई जात नहीं। जे अगर तुसा ए अकीदा अपना लिया, इस दुते अमल कर लिया, तो अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया तुसा कामयाब हो जाओगे। तो मालूम होया इंसान दी कामयाबी दा दारो मदार अल्लाह करीम ने इस कलमे दे अंदर रख दिता है। जदों अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए लोगां नूं आख्या कि लोगो सारी मखलूकात नूं छोड़ के अपना ताल्लक अल्लाह पाक दे नाल गढ़ लो, जोड़ लो, और फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर नूं फरमाया, मेरा सोहना महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह तुहानू मैं अपना प्यारा नबी प्यारा रसूल बना के भेज रहा, लिहाजा मेरे महबूब पैगंबर तुहाडे जिम्मे इहो है कि इन्हां लोगों का ताल्लक मैं अल्लाह दे नाल जोड़ना है। वो अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने लोगों का ताल्लक नवें सिरे तू अल्लाह पाक दे नाल जोड़ना शुरू किया। जदों अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने तौहीद का ऐलान किया और एक कलमा उन्हां दे सामने पेश किया, कुफारे मक्का मुशरकीने मक्का दे पेट दे अंदर दर्द होया, उन्हां नूं तकलीफ होई और फिर उन्होंने तरह तरह दियां रुकावटां खड़ी करनियां शुरू कर दित्तियां। कदी कोई रुकावट, कदी कोई रुकावट, हत्ता कि उन्हां हर लिहाज नाल अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं परेशान किया। कदी कुछ आखदे न, कदी कुछ आखदे आ, कदी कोई बकवास, कदी कोई बकवास, कदी अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं तरह तरह के ताने कसदे हन, कदी अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे राह मुबारक दे कंडे बिछेंदे हन,
कदी अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे राह मुबारक ते खूह खटदे हैं, कदी अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर मुबारक दे गंद दे टोकरे सटदे हैं, कदी ओजरियां सटदे हैं, हत्ता के हर तरीके दे नाल उन्होंने अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू परेशान करने की कोशिश की है, जिज करने की कोशिश की है, मगर अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा महबूब पैगंबर तुझे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मेरा महबूब पैगंबर है, मेरे जिम्मे है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरा सोना महबूब पैगंबर मैनू अपनी जात की कसम अय्या, मैनू अपनी जबरूदियत की कसम अय्या, मैनू अपनी तौहीद की कसम अय्या, मेरा महबूब पैगंबर ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह दा बाल भी बिका नहीं कर सकते, तू टुटदा ना थक ते तेरी कंध उत्ते थापड़ा मैं आप खुदा मारना थकदा बिल्कुल नहीं हाँ, घबराना नहीं मेरे महबूब पैगंबर। फिर जदों अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने यह तबलीग शुरू की तो कुफारे मक्का ने त्रै तरीके अपनाए, त्रै हरबे इस्तेमाल किए। पहला हरबा ताकत का, भरपूर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, हर अंदाज के नाल ताकत को इस्तेमाल किया। जदों उन्होंने वेख्या कि यह साडा हरबा कारगर साबित नहीं होया, इस दे अंदर असी कामयाब नहीं होए, फिर इस हरबे तो बाद इस तरीके तो बाद उन्होंने लालच देना शुरू कर दिता, लालच दिता जिहड़ी चीज़ तुसा चाहते हो वह असी तुहानू देवण वास्ते तैयार हाँ, मगर यह जिहड़ा काम है तबलीग वाला इनू करना छड़ दिओ, यह गल ना करो तुसा। बड़िया बड़िया पेशकशां कीतियां लालच दियां। फिर उस तो बाद जदों वेख्या कि इस लालच वाले हरबे च असी कामयाब ना हो, फिर उन्होंने तीसरा तरीका ते हरबा इस्तेमाल किया, इल्जाम तराशी आला बकवासबाजी आला, और फिर तरह तरह के बकवासबाजियां उन्होंने बेईमाना ने कुफारे मक्का ते मुशरिकी ने मक्का ने और इंतहा कर दिती, मगर अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा पैगंबर इन्हां दी किसे गल दा प्रवाह नहीं करना, तुसा अपना साबित कदमी दे नाल तबलीग दा काम एक कर दिया रहना है, मेरा पैगंबर मैं अल्लाह दा पैगाम हर हाल दे अंदर तुसा पहुंचांदिया रहना है। फिर अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने किसे गल की परवाह नहीं की, अल्लाह दे महबूब पैगंबर बड़े सोहने अंदाज दे नाल दीन दी तबलीग करते रहे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। तो आज भी अगर कोई इस्तेकामत दे नाल दिल जमेई दे नाल सबरो तहम्बल दे नाल दीन का काम करता है, अपनी जमात का काम करता है, अल्लाह की नुसरत उसके नाल आती है, तो जिहड़ा बंदा बागी हो के काम करता है, कोई भी काम करता है, अल्लाह का हुक्म नहीं मनता, जमात के असूल और जवाबत के मुताबिक नहीं चलता, बड़िया का एहतराम नहीं करता, अदब नहीं करता, उलमा की इज्जत नहीं करता, वो बंदा कभी किसी सूरत के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी का दारो मदार एक इंसान कामयाब होना चाहता है वो सब तो पहले अल्लाह का हुक्म मने, प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का तरीका अपनाए, फिर उस बाद अपनी जमात के नज़्म व ज़ब्त के अंदर रह के जमात का काम करे और उलमाए किराम का इज्जत और एहतराम करे, फिर वह बंदा सही माने के अंदर दीन का काम कर सकता है। तो जिहड़ा बंदा वड्डियां का अदब और एहतराम न करे, असूल और जवाबत की पाबंदी ना करे, जवाब जमात के कवायद नू तार तार करे, वो किस अंदाज दे नाल दीन दा काम कर सकदा है। जदों बंदे दी नीयत ही ठीक नहीं, कामयाबी दा दारो मदार और खास तौर पर दीन दी कामयाबी दा दारो मदार वो नीयत उत्ते अल्लाह पाक ने रखिया है, नीयत ठीक है सारे काम ठीक है, ये नीयत नहीं ठीक कभी कोई काम ठीक हो सकता नहीं है। इस वास्ते ऐसा सारे दोस्त अहबाब नूं अपनी अंदर झाती मार के अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए,
और इसलाह करनी चाहिए अपनी, सब तो पहले अपनी सलाह करनी चाहिए, फिर जमात का और दीन का काम करना चाहिए। इस वास्ते सारे भाई तैयार हो ना अपनी जमात का काम करने वास्ते। इंशाअल्लाह ताला 14 रबी अव्वल लाहौर ऐवान इकबाल लाहौर उत्थे इंशाअल्लाह इज्तिमा साड़ी जमात का हो रहा है। उस वास्ते तुहानू मैं सब तो पहले अज आकिल शाह तू दावत देना शुरू करता पिया, उस वास्ते तैयारी कर रही है। और तमाम अहबाब जौक दर जौक काफलियां दी शक्ल दे अंदर तशरीफ ले आवणी, लया सो रहा अपनी जमात नाल तुहानू प्यार है, सच्चे दीन नाल प्यार है, अल्लाह की तौहीद नाल प्यार है। मैं ढाली भट्टियां गया, असी तो दसवीं मुहर्रम नू गए, मैं सारा कुछ पता चल चुका हा कि भाई इत्थे अमीरे मोहतरम का नाँ नहीं लैना, मगर मैं उत्थे लैके भी खाया अलहम्दुलिल्लाह, लैके भी खाया अपनी जमात का भी नाँ लैके भी खाया। मैं आख्या जिन्होंने मरकजी शात तौहीद व सुन्नत नाल प्यार है वो खड़े हो के भला अज ऐलान करो कि जिन्होंने प्यार है मरकजी शात तौहीद व सुन्नत के नाल। फिर हजरत अलामा अहमद सईद खान मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल और उन्होंने मिशन दे नाल, फिर अमीर मोहतरम हजरत अलामा कलीमुल्लाह खान साहब दे नाल प्यार है, वो हाथ खड़ा करके विखावे और उन्होंने जज्बात वेख के खुदा की कसम सारे का सारा मजमा खड़ा हो गया और उस जाते भी दिफा किया अपनी जमात का और दीन हक का दिफा किया। इस अंदाज दे नाल जिहड़ा बंदा काम करता है अल्लाह पाक उसकी नुसरत करता है। इस वास्ते मेरी तुहाडे कोई रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि तुसा सारे आबाब दिल जमी दे नाल इस्तिकामत दे नाल अपनी जमात का काम करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुहानू कामयाबी अता फरमाएगा। हुण तुहाडे सामने हजरत मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला साहब खिताब फरमाते हैं, फिर उन्होंने बाद इंशाअल्लाह ताला मौलाना नवाबुल हक साहब बयान।